जय लक्ष्मी नारायण की। आज मैं एक स्टोरी लाई हूँ जिसका शीर्षक है स्वयं से तुलना, यानी स्वयं की तुलना। एक कौवा एक वन में रहता था। उसे कोई कष्ट नहीं था और वो अपने जीवन से पूरी तरीके से संतुष्ट भी था। एक दिन उड़ते उड़ते एक सरोवर के किनारे पहुंचा और वहां उसने एक उजले सफेद हंस को तैरते हुए देखा। उसने देखा और सोचा कि ये हंस तो कितना सौभाग्यशाली है जो इतना सफेद और सुंदर है। इधर मुझे देखो, मैं कितना काला हूँ, बदसूरत हूँ। ये हंस अवश्य ही दुनिया का सबसे सुखी पक्षी होगा। वह हंस के पास गया और अपने मन की बात बता दी। सुनकर हंस बोला, नहीं मित्र, वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं भी पहले यही सोचता था कि मैं ही सबसे सुंदर पक्षी हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने एक तोते को देखा तो तोते भी ऐसा सुंदर। फिर तोते के पास मैं गया और कौवा भी उड़ते उड़ते तोते के पास गया और तोते से पूछा कि तुम कितने सुंदर हो, तुम अवश्य ही तुम सबसे ज़्यादा ही सौभाग्यशाली पशु हो, पक्षी हो। तो तोते ने कहा कि नहीं मित्र, पहले मैं भी यही सोचता था कि जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था तो वो मोर के पास गया। तो कौवा उड़ते उड़ते मोर के पास गया और उसने देखा कि बहुत सारे लोग मोर को घेरे हुए हैं, बहुत लोग देख रहे हैं। तो सभी लोग जब चले गए तो मोर से बातें करने के लिए कौवा उतरा और बोला कि तुम कितने सुंदर पक्षी हो, अवश्य ही तुम सौभाग्यशाली हो और सबसे ही खुशी पक्षी हो, यानी तुम ज़्यादा खुश रहते होंगे। तो मोर ने बताया कि मैं भी पहले यही सोचता था कि मैं ही सबसे सौभाग्यशाली और सुखी पक्षी हूँ। एक दिन मुझे कुछ लोग पकड़कर चिड़ियाघर में ले आए और चिड़ियाघर में लाकर मुझे जेल में बंद कर दिया। तब मैंने सोचने लगा कि काश मैं कौवा ही होता, मैं आज़ाद से उड़ता तो सही। इसलिए सबसे ज़्यादा खुश नसीब तुम ही हो। हम हमेशा दूसरे को देखकर व्यर्थ की ही स्वयं से तुलना करने में लगे रहते हैं और दुखी हो जाते हैं। भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है और अलग गुण दिए हैं। हम उसका महत्व नहीं समझते और दुख के चक्र में फंस जाते हैं। इसलिए दूसरों के पास जो है उसे देखकर जलने की बजाय हमारे पास जो है उसे खुश रहना सीखना चाहिए। सुखी बाहर ढूंढने से नहीं मिलती, वो हमारे अंदर ही छुपी रहती है। राधे राधे। अगर आपको हमारा स्टोरी अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्णा।